जब तू बड़ी महारानी से मिलोगी तो बड़ी महारानी तुम्हें सौतन नजर नहीं आएगी महारानी। अच्छा एक ही समझी जी क्या हुआ महारानी? समझी इस वक्त मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लगी है स्वामी जी। पानी प्यास लगी है? हाँ। तो महारानी विलंब क्यों कर रही है? बैठ जाओ मेरे साथ डोली में और चलो मैं तुम्हें अपने दरबार में ले जाकर के पानी पिला दूंगा। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी अगर इस वक्त दरबार तक जाएंगे दरबार में भी दरबार में लग जाएंगे स्वामी जी, इसमें तो मेरे प्राण जा सकते हैं स्वामी जी, इसलिए मेरे लिए आप कहीं से पानी लाइए स्वामी जी। ठीक है महारानी, बैठ जा इसी जगह वृक्ष के नीचे। जा रहा हूं मैं पानी के तलाश में, कहीं से पानी ढूंढ करके जरूर ले आऊंगा। चलता हूं मैं अपने सीमान पे पानी की तलाश में। Yeah.
महारानी हाँ स्वामी जी, मैं अपने सिमान पर कहीं से पानी ढूंढ करके लाया हूँ, लो महारानी पानी पी लो स्वामी जी और जल्द से मेरे साथ डोली में बैठ जा। लेकिन स्वामी जी पानी पीने से पहले आप मेरे साथ सच कीजिए स्वामी जी। महारानी हाँ, एक पति और पत्नी के बीच सत किस बात की। जिस वक्त में कुमारी थी उस वक्त में प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा हाँ, कैसा प्रतिज्ञा महारानी। जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं स्वामी जी के हाथ से कोई भी वस्तु पहली बार में प्राप्त करूंगी, उनसे मैं पहले में सच करवाऊंगी। मुझे सत करना पड़ेगा। हाँ स्वामी जी, ठीक है महारानी। ये कसा करिया है सत्तो सत्त ब्रह्मा विष्णु सत्त, अगर सत्त से बेसत हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा। महारानी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। महारानी ने तुम्हारे साथ में सत कर लिया, अब तुम महारानी पानी पी लो और जल से मेरे साथ डोली में बैठ जा। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ स्वामी जी, आपकी माँ जो कुत्ते हरामजादी बहानी है उसको जबरदस्ती बनता पागल की तरह बातें क्यों कर रही है महारानी। मैं पागल की तरह बात नहीं कर रही हूं, जिस देवी के कहने के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में शादी किया, अभी तक हवेली में चल करके तू उसे अपने नजर से देखी नहीं है और रास्ते में तू पानी प्यास का बहाना बना करके मुझसे सत करवा करके मेरी महारानी को वनवास करने को कह रही है। नहीं महारानी, ये एक मानव का धर्म नहीं है। हेलो, कैसा नाच बोलिया है सुंदरिया। महारानी हाँ, लाख चिल्लाएगी तू, लाख गिड़गिड़ाएगी तू, मैं बड़ी महारानी कोई अपनों से दूर नहीं करूंगा। स्वामी जी
अगर उस सरहंगामी को तुम जीवन मांस दे देंगे इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आपका, आपका सब जाएगा, धर्म जाएगा, सत्य नाश हो जाएगा। हाँ, हे भगवान, हरी चारे चंडाली ने क्या सोच करके मैं तुम्हारे साथ में शादी किया था? सोचा था हवेली में जाकर के तू मेरे खुशियों को भर दोगी, लेकिन तू तो हवेली की खुशी को एक नागिन बनकर के डस लिया। सब कह रही है तू एक काली नागिन, बड़ी महारानी को मैं नहीं निकालूंगा तो मेरा सत धर्म चला जाएगा। जा रहा हूं रे चंडालिन, मैं बड़ी महारानी को हवेली से वनवास कर दूंगा। आप दारे माल मेरे लिए क्या सोचे हैं महारानी? हाँ, अब मुझे सोचने के लिए बचा ही क्या है महारानी? तू तो अपने लिए खुद सोच लिया। सर्दी, आप रानी सुल्तान महल से उस कुत्ते हरमजादी को 14 वर्ष का वनवास देकर मेरे लिए कोई कार्य मरते हुए देंगे, मैं उस पर बैठकर मैं महल तक जाऊंगी। हाँ, ठीक है महारानी। और हाँ, अगर मैं उस महल तक में पाप बदल में चली गई, उस महल में ना जाने में तबाही तबाही मचा दूंगी। हाँ, तबाही मचाने की जरूरत नहीं है महारानी, तुम जो कह रही है मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, इंतजार करो तुम मेरा, और मैं जा रहा हूं, आऊंगा सवारी लेकर। ठीक है, जाइए।